अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर है 454 और इसमें हम डिस्कस करेंगे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट एब्डोमिन और पेल्विस के कुछ इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट द बेयर एरिया ऑफ लिवर इज लिमिटेड बाय कॉरोनरी लिगामेंट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बेयर एरिया एंड व्हाट इज कॉरोनरी लिगामेंट। तो ये तो आप सबको पता है कि हमारे एब्डोमिन और पेल्विस के एरियाज जो होते हैं वो पेरिटोनियम से कवर होते हैं। अब लिवर की जो बेस होती है यानी डायफ्रेगमेटिक रीजन जो होता है लिवर का, इट डजेंट कंटेन द पेरिटोनियम एट सम एरियाज। सो दूज एरियाज दैट लैक्स द पेरिटोनियम इन द डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ लिवर इज कॉल्ड बेयर एरिया। तो ये कहते हैं द लिवर इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल, इट इज पार्शली कवर्ड बाय अ पेरिटोनियम। द बेयर एरिया ऑफ द लिवर इज एन एरिया लाइंग ऑन द डायफ्रेगमेटिक सरफेस वेयर देयर इज नो पेरिटोनियम बिटवीन द लिवर एंड द डायफ्राम। सही है, तो बेयर एरिया कौन सा एरिया होता है जहां पर पेरिटोनियम नहीं होती। व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस बेयर एरिया? एंटीरियर में सुपीरियर लेयर ऑफ कॉरोनरी लिगामेंट, पोस्टीरियर में इंफीरियर लेयर ऑफ कॉरोनरी लिगामेंट, राइट में राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट एंड लेफ्ट में देयर इज अ ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा। तो आप ये देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द बेयर एरिया इज लिमिटेड बाय द कॉरोनरी लिगामेंट। सो द बेयर एरिया ऑफ लिवर इज लिमिटेड बाय द कॉरोनरी लिगामेंट। Then next question is that the during the surgery splenic vessel need to be ligated, in which ligament are these vessels present? द आंसर इज लीनो रीनल लिगामेंट। तो पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि बहुत सारी ऐसी सर्जरी जो प्रोलॉन्ग होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग सर्जरीज होती हैं, उसमें मेजर आर्टरीज को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग को बचाया जा सके, ब्लड लॉस को बचाया जा सके। ख़ास तौर पर जो है वो हेड एंड नेक की सर्जरी में कैरोटिड आर्टरीज को लाइगेट किया जाता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि स्प्लीनिक वेजल में लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर स्प्लीनिक आर्टरी होती है, दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी लाइगेट बिफोर द सर्जरी टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। एंड हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द स्टमक थ्रू द स्प्लीन, एंड द कनेक्शन दैट इज़ कनेक्टेड टू द किडनी विद द स्प्लीन इज द लीनोरीनल लिगामेंट, एंड इन द लीनोरीनल लिगामेंट देयर इज़ अ टेल ऑफ पैंक्रियाज एंड द स्प्लीनिक आर्टरी। सही है, तो इन स्प्लीनिक आर्टरी को ब्लॉक किया जाता है, लाइगेट किया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरीज। ठीक है, तो कौन सी स्प्लीनिक वेजल को ब्लॉक किया जाता है? स्प्लीनिक आर्टरी को, थ्रू द ब्लॉकेज ऑफ द लीनोरीनल लिगामेंट या फिर लाइगेशन ऑफ लीनोरीनल लिगामेंट के जरिए स्प्लीनिक आर्टरी को ब्लॉक किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्ट्रक्चर इमीडिएटली मीडियल टू द फिमोरल हर्निया इज लैक्यूनर लिगामेंट। ठीक है, तो फिमोरल हर्निया कहाँ पे होता है? इन द फिमोरल ट्रायंगल, और फिमोरल ट्रायंगल की अपर बाउंड्री बना रहा था इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट एंड लैक्यूनर लिगामेंट दे आर ऑलमोस्ट लोकेटेड एट द सेम पोजिशन, एंड लैक्यूनर लिगामेंट इज मीडियल टू द फिमोरल ट्रायंगल। सही है, लैक्यूनर लिगामेंट इज मीडियल टू द फिमोरल लिगामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन को हमने लोअर लिम में पढ़ा था कि अगर एक्सेसिव ई वर्जन हो जाती है तो डेल्टॉइड लिगामेंट टॉर्न हो जाता है। एक्सेसिव ई वर्जन में जो है वो डेल्टॉइड लिगामेंट होता है, जबकि एक्सेसिव इन वर्जन में क्यूनियोफिबुलर लिगामेंट होता है। एक्सेसिव ई वर्जन, डेल्टॉइड लिगामेंट। वेजल्स ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर लाइज इन विच लिगामेंट? तो बेस ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है यहाँ पे। यूरिनरी बेस की ब्लैडर में मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट होता है जिसके अंदर वेजल्स होती हैं, ठीक है, और इसको डॉर्सोलेटरल लिगामेंट भी कहा जाता है। सो हेयर यू कैन सी एट द बेस ऑफ द ब्लैडर मीडियल अम्ब्लाइकल लिगामेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सोलेटरल लिगामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्लिटेटेड अम्ब्लाइकल आर्टरी एंड सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज। ठीक है, तो ये वो क्या कहते हैं, वेजल्स ऑफ द बेस ऑफ ब्लैडर लाइज इन दिस लिगामेंट, डॉर्सोलेटरल लिगामेंट। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 454 आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है, क्वेश्चन याद करने में आसानी हो रही है, वीडियो यूजफुल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वीडियो में कोई भी मिस्टेक है तो यू पीपल कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड।